जैसे कि इस कैप्सूल का काम होता है आपके स्किन डिजीज या फिर आपके स्किन डिसऑर्डर को ठीक करना, जैसे कि आपके स्किन को ठीक रखना, स्वस्थ रखना, मॉइस्चराइज रखना इस कैप्सूल का काम होता है। ये कैप्सूल महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मेडिसिन का और किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इस मेडिसिन का काम क्या होता है, ये मेडिसिन यूज कैसे करना होता है, इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या रहती है, उसकी वजह से अगर चेहरे पर स्वेलिंग आ जाता है, तो इस समस्या में डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं में ये प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि अगर किसी को एक्जिमा है, यानी एक्जिमा की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा एक्जिमा की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि महिलाओं के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग पीएमएस की समस्या में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं लेने के लिए। जैसे कि पीएमएस के दौरान महिलाओं को डिप्रेशन हो सकता है, हेडेक की समस्या हो सकता है, ब्रेस्ट में टाइटनेस फील हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन फील हो सकता है, तो ये समस्या हो सकता है। और जैसे कि एंजाइटी की समस्या रह सकता है, पेट में गैस की समस्या हो सकता है, पेट में दर्द की समस्या रह सकता है, थकान की समस्या हो सकता है, और जैसे कि पूरे शरीर में एकदम वीकनेस के जैसा महसूस हो सकता है। जैसे कि जो हमने आपको ये सारे सिम्टम्स बताए हैं, ये पीएमएस के दौरान होता है। इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि ये महिलाओं के लिए नहीं है, इसे और कोई भी यूज़ कर सकता है। और जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग बोन या फिर जोड़ों में दर्द की समस्या रहना या जोड़ों से संबंधित समस्याओं में इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर करने के लिए देते हैं। और जैसे कि अगर किसी के हड्डियों के ज्वाइंट में किसी प्रकार की समस्या रहता है, तो डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा डायबिटिक पेन की समस्या में भी ये मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। डायबिटिक पेन में क्या होता है कि जैसे कि इस समस्या में नर्वी पेन बहुत ज़्यादा होता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन इस समस्या में प्रेस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तब भी डॉक्टर के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन के साथ में, जो हाई ब्लड प्रेशर वाला मेडिसिन रहता है, उसके साथ में ये भी मेडिसिन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग स्किन लाइटनिंग की समस्या में भी ये मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे कि ये कैप्सूल भी आप फोड़ करके, यानी इस कैप्सूल को आप निकाल करके आप अपने फेस पर लगा सकते हो। जैसे कि ये जो आपको हमने कैप्सूल बताया है, ये कैप्सूल आप अपने स्किन के किसी पार्टिकुलर एरिया पर लगाकर देख लीजिए। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो फिर आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, नहीं तो ये कैप्सूल आप स्किन पर अप्लाई मत कीजिए। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन मरीज की स्थिति और उसके एज और उसके बॉडी वेट के समस्या, दिक्कत, परेशानी को देखते हुए इस दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं। लेकिन जो एडल्ट में इस दवा का डोज होता है, ये डॉक्टर के द्वारा दिन में एक बार ये लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है, ये डॉक्टर मरीज की स्थिति और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए फिर इस दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं। जैसे कि ये दवा दिन में दो बार भी डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है, जैसे कि आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, और जैसे कि आपका पेट खराब हो सकता है। इसके सिवा और भी आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। और जैसे कि अगर आप ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तो आपको नींद आ सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई दिक्कत और भी कोई समस्या हो, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप जाके संपर्क करें, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई दवा लें। कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेना है।